नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के डायमंड जुबली कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई में आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं। पीएम बोले कि मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वह कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया। इसके साथ ही मेघालय की राजधानी शिलांग, महाराष्ट्र के पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में सीबीआई ने 60 वर्ष का सफर पूरा किया है। इन 6 दशकों में सीबीआई ने बहुआयामी और बहुअनुशासनात्मक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। पीएम ने कहा कि सीबीआई ने अपने काम से लोगों के मन में विश्वास जगाया है। लोग आंदोलन करते हैं कि केस बाकी एजेंसियों से लेकर सीबीआई को दे दो। यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं कि इसे सीबीआई को दे देना चाहिए। न्याय के इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई का नाम हर जुबान पर है। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। यह सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद परिवारवाद को बल मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार यानी हमारी बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। मोदी बोले कि पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था। ये लोग सरकारी योजना के लाभार्थियों को लूटते थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। सीबीआई को कहीं भी हिचकने कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।